हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 8 मैथ्स का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे देन आई एम श्योर कि आप अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, ये पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और इसे करने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 28 क्वेश्चन है जिन्हें कि 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड ई। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और आपको सेक्शन ए में 1-1 मार्क के 12 क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन सी में 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी हुई होगी, सेक्शन डी में 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और इन दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस दी हुई होगी, सेक्शन ई में 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ -1 रेज टू द पावर 500 इज। आपको पता होगा कि -1 की पावर 500 करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी +1। -1 की पावर अगर हम कोई इवन नंबर करते हैं तो वो +1 होता है और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होती है तो वो -1 ही रहता है। ठीक है, तो 500 बिकॉज एक इवन नंबर है तो -1 का क्या हो जाएगा, +1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉमन फैक्टर ऑफ 8a² b raised to power 4 c² 12a raised to power 4 b c raised to power 4 and 20a³ b raised to the power 4, इनके हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 8a² b raised to the power 4 c² वी कैन राइट इट एज 2 2 जर 4 4 2 जर 8। a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, b raised to the power 4 को 4 टाइम b लिख सकते हैं and c square can be written as c into c. Similarly, 12 a raised to the power 4 b c raised to the power 4, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, a into a into a into a 4 time b, then c is also 4 time. ठीक है, now 20a³ b raised to the power 4, 20 can be written as 2 2 जा 4 4 5 जा 20 into a cube, a into a into a, b raised to power 4 b into b into b into b. So common factor find कर लेते हैं। ये 2 हमारा common है, एक और 2 हमारा common है, then a common है हमारा, एक ए और कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 ए हैं लेकिन ऊपर और नीचे दोनों में ए नहीं है। ठीक है, बी हम कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ एक बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बी नहीं है और तो हम और बी नहीं ले सकते, इसमें सी नहीं है तो हम सी भी कॉमन नहीं ले सकते। सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर बी। सो 4a² b इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोला है, हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और उसका बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो हमें उस क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हाइट ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड को किससे डिवाइड करते हैं, बेस एरिया से। ठीक है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से, दैट इज 275 अपॉन 25। 25 1 जा 25, यहां से 2 बचेगा, 25 1 जा 25, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 11 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/5. किसी भी रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है उसका रेसिप्रोकल. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/5 रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो -5/1 या फिर ओनली -5 हम इसे लिख सकते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू x माइनस 3 प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 1. तो कैसे करेंगे, x इंटू x माइनस 3 प्लस 2, वी हैव टू पुट 1 इन प्लेस ऑफ x, सो 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2. 1 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, 2 वन जर 2, तो ये आपके पास हो गया माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सम ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस एक्स वाई, इनका सम हमें फाइंड करना है. किस किस का, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एंड देन वाई प्लस एक्स वाई. ओके, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, कितने एक्स वाई हो जाएंगे, 2xy. आपके पास एक एक्स है, देन वाई प्लस वाई, ये वाई और ये वाई, दिस विल बी 2y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy. ओके, सो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 2xy प्लस एक्स प्लस 2y. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 0.00000567 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.5 टाइम 0 है 568, तो हमें इस डेसिमल को यहाँ पर लेकर आना है. जब हम इस तरह से डेसिमल को लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, आपके पास हो जाएगा 5.68 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, कितने स्टेप हम इधर आए, 6 स्टेप्स, तो रेस्ट टू द पावर हो जाएगा -6. जब हम लेफ्ट से राइट में डेसिमल को लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, बट अगर हम राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज डज नॉट वेरी इनवर्सली, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है. फर्स्ट इज पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया ऑफ पर्सन, कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे रहने वाले लोगों को, पर पर्सन को उतना कम एरिया मिलेगा. ठीक है, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी तो एक पर्सन के हिस्से में जो है वो ज्यादा एरिया आएगा, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टेकन टू डू अ वर्क, जितने ज्यादा लोग होंगे हमें काम करवाने के लिए, काम करने के लिए उतना कम टाइम लगेगा, कम लोग होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्पीड एंड डिस्टेंस, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो उतना ही ज्यादा हम डिस्टेंस कवर करेंगे, कम स्पीड होगी तो हम डिस्टेंस कम कवर करेंगे, तो ये कैसा केस है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्पीड एंड टाइम टेकन, अगर हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो हमें जो टाइम है वो कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द फैक्टराइजेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12. सबसे पहले यहाँ y स्क्वायर के साथ कोफिशियंट क्या है, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 12. अब हमें इस माइनस 7y को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके हमारा 12y और प्लस करके 7y आए, तो कैसे करेंगे, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y, माइनस 4y माइनस 3y ऐड करके हो जाएगा माइनस 7y और 4 3 जा 12, तो आपका आ जाएगा 12 प्लस 12. ओके, नाउ इन दोनों में से, फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा y माइनस 4. अब लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 3, तो अंदर आपके पास बच जाएगा y माइनस प्लस माइनस 3 4 जर 12. अब पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 4, तो आपके पास यहां से बच गया y और यहां से माइनस 3, सो y माइनस 3. सो द फैक्टर्स ऑफ y square minus 7y plus 12 are y minus 4 and y minus 3. So,
Now question number 10. What is the curved surface area of a cylinder of radius 3 cm and height 4 cm? हमें curved surface area cylinder का find करना है. तो curved surface area of cylinder का formula क्या होता है? 2 pi RH. Okay, this is equal to 2 into, अब हम सारे options में देखें तो pi हमें यहाँ पर सभी answers में given है. तो यहाँ हम pi की value put नहीं करेंगे, as it is रहने देंगे. Radius is 3 and height is 4. So, 2, 3 is a 6, 6, 4 is a 24 pi centimeter square. So, curved surface area of cylinder is 24 pi centimeter square. Question number 11. How many non-square numbers lie between the squares of 18 and 19? आपको बोला है, 18 और 19 का अगर square करें, तो जो numbers आते हैं, उनके बीच में कितने non-square numbers lie करेंगे? तो कैसे करेंगे? जब हमें दो consecutive numbers के squares के बीच में non-square numbers find करने हैं, तो हम क्या करते हैं? जो first वाला number होता है, उसको 2 से multiply कर देते हैं. तो 18 के square और 19 के square के बीच में 36 non-square numbers होंगे. That is option C is correct. Now question number 12. What are the coordinates of origin? Origin के coordinates क्या होते हैं? Origin is the point where x-axis and y-axis intersect each other. ठीक है? इसके coordinate होते हैं 0, 0. So option B is correct. Now section B. In this section we have 5 questions of 2 marks each. So question number 13 is multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. हमें 6 upon 13 को minus 7 upon 16 के reciprocal से multiply करना है. तो reciprocal आ जाएगा minus 16 upon 7. यहाँ पर हमारे पास कोई भी common factor नहीं है, तो हम direct multiply करेंगे. 16 6 are 96 minus, ठीक है, upon 13 7 are 91. So minus 96 upon 91. Question number 14. Evaluate 1 by 3 raised to the power minus 1 minus 1 by 4 raised to the power minus 1 and whole power is also minus 1. तो जब भी हमें negative से power positive करनी होती है, तो हम उसका reciprocal करते हैं. तो 1 by 3 की power positive करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3 upon 1. तो 3 लिख देते हैं, 3 upon 1 लिखना जरूरी नहीं, और power हो जाएगी plus 1. यहाँ minus 1 by 4 का भी reciprocal कर देंगे तो 4, और इसकी power भी plus 1 हो जाएगी. ठीक है, और पूरे की power minus 1. ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 4 की पावर 1 मतलब 4. 3 minus 4 is minus 1, तो minus 1 की पावर minus 1. ठीक है, अब इसका भी reciprocal कर देते हैं, so 1 upon minus 1 whole power will be 1. ठीक है, अब 1 upon minus 1 is equal to minus 1. Okay, so the correct answer is minus 1. Now question number 15, write a Pythagorean triplet whose one member is 16. हमें Pythagorean triplet लिखना है, जिसमें से एक member क्या है? 16. तो Pythagorean triplet के formula होता है, एक member अगर हम 2m ले, then second one is m square minus 1 and third is m square plus 1. Okay, so let us take 2m is equal to 16. तो m कितना आएगा? 16 upon 2, that is 8. M is equal to 8. ठीक है, तो आपके पास second triplet क्या हो जाएगा? M square minus 1, that is 8 square minus 1. 8 8s are 64, minus 1 is 63. Similarly, M square plus 1 is equal to 8 square plus 1, that is 64 plus 1, which is equal to 65. So, 3 triplets are 16, 63 and 65. Okay. Now, question number 16. Solve to find y. हमें y की value find करनी है. The question is 2y plus 5 by 3 is equal to 26 upon 3 minus 5. पहले हम like terms को separate कर देते हैं. Y इधर आ जाएगा. 2y plus y is equal to 26 upon 3. 5 by 3 को हम RHS में ले आते हैं, तो minus 5 by 3 हो जाएगा. 2y plus 5 will be equal to 3y. 26 by 3 minus 5 by 3, it will be 21 upon 3. Then 3 7s are 21. Y is equal to 7, और ये 3 हमारा denominator में आ जाएगा. Okay, so y is equal to 7 upon 3. Question number 17, simplify करना है. X square minus 5, X plus 5,
प्लस 25। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से भी एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस 5 से भी एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 25 एज इट इज आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट विल बी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x एंड माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25 प्लस 25। 25 माइनस 25 जीरो हो गया, सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी डी एंड ई सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।